सो ये है मारुति ब्रिजा का मैट फिनिश कलर जो कि नया नया यहाँ पे लॉन्च हुआ है और ये आ गई है सीएनजी के अंदर। सो लोगों को काफ़ी टाइम से ब्रिजा का सीएनजी का वेट था, तो आप देख सकते हो ऊपर सीएनजी का स्टिकर लगा हुआ है और ये मैट फिनिश है, काफ़ी अच्छा लग रहा है शुरू करके और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अब ये फाइनली लोगों को ब्रिजा का सीएनजी का वेट था काफ़ी टाइम से, तो सीएनजी का स्टिकर देख सकते हैं और सीएनजी में आ चुकी है गाड़ी। अंदर से देख सकते हो इंटीरियर तो सब कुछ वैसा ही है और ये मैनुअल में, इसका मतलब ऑटोमेटिक में सीएनजी नहीं आई है। चलते हैं इसका बूट देखते हैं अगर खुलता है तो। ये खुल चुका है तो ऐसा कुछ आता है, ये सीएनजी सिलेंडर ये रहा। बूट काफ़ी बचता तो नहीं है, बहुत थोड़ा सा बूट बचा हुआ है देख सकते हो, और इसके नीचे आपका टायर है, यहाँ से निकाल सकते हैं। सही है, रेगुलर यूज़ के लिए सही है, बट हाँ आपको यहाँ पर बूट थोड़ा सा कम मिलता है, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रूफ लगे हुए हैं, बाकी ये कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी देखने में। आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा लगा ये सीएनजी वेरिएंट, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं यहाँ पे इसमें भी कुछ चेंजेस किए हुए अलॉय व्हील में, और ये राइट साइड है, यहाँ से कुछ ऐसे दिखती है। ऑटोमेटिक में नहीं आई है बट मैनुअल में है, बट चलो लोगों का जिसका इंतज़ार था, उनको सीएनजी में गाड़ी चाहिए थी, वो आ गई। अब लोग कंपनी से डायरेक्ट सीएनजी ले सकते हैं, लगभग लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, बाकी तो जब लॉन्च होगी इसकी प्राइसिंग वगैरह तब पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। आपको ये गाड़ी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।